ने वीडियो भी ग्रैंड है, मेरे बंटा के नाम भी ग्रैंड है, समझ में आया क्या लाल। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देख रहे हो स्क्रीन पर और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो हम क्रिएट करेंगे। इस टाइप के वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। गाइस, अभी के समय में इस टाइप के वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, मतलब अभी हर जगह बहुत ज्यादा भी वायरल हो रहा है। अगर आपको भी क्रिएट करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और गाइस, मेरा थोड़ा गला खराब है, मतलब वॉइस थोड़ा प्रॉब्लम देगा, तो वॉइस को इग्नोर करना, बस आपको स्टेप को समझना है कैसे आप इस टाइप के वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और एरो भी दे दूंगा कहाँ कहाँ आपको क्लिक करना है और कहाँ कहाँ आपको जाना है, ठीक है। और वॉइस के लिए वीडियो थोड़ा डिले था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए आप वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। गाइस, अगर आपके फोन में इनशॉट एप्लीकेशन है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाने जो वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको वीडियो वाला ऑप्शन में जाना है और आपको ये 6 सेकंड का इंट्रो वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। देन यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले 8 फोटो को ऐड कर लेना है। तो चलिए हम वीडियो एंड फोटो को दोनों को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, देख सकते हो मैंने यहाँ पे वीडियो एंड फोटो दोनों ऐड कर लिया। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे पहला फोटो के ऊपर टच करना है, ठीक है। पहला फोटो के ऊपर टच करना है, जैसे टच करते हो इसका जो फोटो का जो रेशियो है यहाँ पे आपको चेंज करना है। तो रेशियो चेंज करने के लिए यहाँ पे कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पे कन्वर्स वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ नीचे में 9:16 वाला रेशियो मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे ये जो एरर है आपको इस तरह से 50 करके यहाँ पे डबल टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस कर लेना है। तो जितना भी फोटो मैंने ऐड किया हूँ सब फोटो का रेशियो यहाँ पे 9:16 वाला रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे वीडियो को फर्स्ट पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते म्यूजिक प्लस वाला आइकन में जाना है। माय म्यूजिक में जाकर सबसे पहले आपको इस ऑडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो इस वीडियो में जितना भी मटेरियल एंड वीडियो यूज होगा सबका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होगा, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाने वहाँ भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो सब मटेरियल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे माय म्यूजिक में जाकर यहाँ पे ये सॉन्ग को मैंने ऐड कर लेता हूँ। देन यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पे फर्स्ट इमेज के ऊपर इस तरह से आना है। आने के बाद नीचे में देख सकते हो यहाँ पे एक एरो बनाया है, मतलब जितना भी फोटो मैंने ऐड किया है सब फोटो के यहाँ पे जस्ट बगल में इस तरह से व्हाइट कलर का यहाँ पे एरो बना है। तो उस एरो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में देख सकते हो यहाँ पे सुपर के बगल में जूम इफेक्ट वाला एक इफेक्ट है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऊपर में टाइम ड्यूरेशन वाला देख सकते हैं एक ऑप्शन है, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन आपको 1 सेकंड में रखना है इस तरह से, ठीक है। अगर आपका फुल रहेगा तो आपको यहाँ पे 1 सेकंड में इस तरह से रखना है। देन यहाँ पे डबल टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस कर लेना है। तो जितना भी यहाँ पर एरो बना रहेगा सब एरो में जूम इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे सुपर के बगल में जूम इफेक्ट, ये इफेक्ट को आपको अप्लाई कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे जो इमेज का जो ड्यूरेशन है आपको यहाँ पे घटा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज का ड्यूरेशन 5-5 सेकंड का है। तो सबसे पहले इमेज का ड्यूरेशन को घटा लेना है। तो इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते यहाँ पे टूल्स मिलेगा, टूल्स को थोड़ा स्लाइड करना है। यहाँ पे ड्यूरेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते ये जो ड्यूरेशन है आपको 1x1x1 में कर लेना है इस तरह से, ठीक है। 1x1 में ड्यूरेशन कर लेना है। एंड यहाँ पे डबल टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस कर लेना है। तो जितना भी फोटो मैंने ऐड किया हूँ सब फोटो का ड्यूरेशन 1x1 में हो जाएगा। तो इस तरह सबको कर लेना है। करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे पहला फोटो जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है उस लाइन पे आपको इस तरह से आना है। एंड यहाँ पे आपको फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते एडजस्ट वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको बिगनेट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे बिगनेट को एकदम 100 करके डबल टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे बीट्स वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको व्हाइट इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा।
ये वाइट इफेक्ट को इस तरह से क्लिक करना है और इसका जो इंटेंसिटी है आपको इस तरह से घटा लेना है, मतलब इस तरह से हल्का से घटा लेना है एंड यहाँ पे ये जो, और इसको एकदम बढ़ा लेना है ठीक है। एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है और ये बीट इफेक्ट का ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है और इमेज जहाँ से स्टार्टिंग है उस लाइन पे अगेन आपको इस तरह से जाना है। जाने के बाद यहाँ पे पीएफपी प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते यहाँ पर, यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये लाइट वाला वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है, ओके। एंड यहाँ पे फुल स्क्रीन पर करना है, देन यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है। देन यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है एंड यहाँ पे वीडियो को फर्स्ट पे जाना है। जाने के बाद अगर आपको पीएफपी प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फोटो वाला ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद आपको ये व्हाइट बॉर्डर इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना है, देख सकते हैं इस तरह से आपको व्हाइट बॉर्डर को ऐड कर लेना है। फुल स्क्रीन पर करना है, देन यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रीन मोड में कर लेना है और ये व्हाइट बॉर्डर को हल्का सा आपको ऊपर की ओर इस तरह से उठा लेना है, ठीक है, ऊपर की ओर लेकर चल जाना है। देन यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है। देन यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मेरा जो वीडियो है कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। सो गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर लेना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह और भी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा बना है। एंड अब क्या करना, वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फेमरा डेस्क को 16 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।